हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुभाष राय और आप देख रहे हैं आकाश पान। आज मैं मेरे भैया के साथ है और आज हम लोग कुछ नया दिखाने के लिए जा रहा हूँ। और रास्ता तो आप देख ही चुका है, बहुत अच्छा रास्ता है। कोई रास्ता रास्ता खत्म अब रास्ता खत्म। यहाँ पे एक भैया ने प्लांटेशन किया है, पपाया प्लांटेशन जो लगाने वाला है अभी। ये अब देखने जा रहा हूँ कि वो ऑलरेडी पहला बहुत लगा चुका है, तो मैं भी थोड़ा प्लानिंग कर रहा हूँ लगाने के लिए। और आप लोग भी ऐसे घर में बैठ रहे थे, ये लगाने से बहुत अच्छा है, तो आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से उसने प्लांटेशन उधर किया है, वो किस तरह से प्लांटेशन किया है और इसमें फ़ायदा क्या है वो भैया आने के बाद ही पता चलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन ये लुप्त विलेज है, दिमापुर नागालैंड, खाखाबोत एरिया। ये नियर बाई ये दुर्गा मंदिर गोलाघाट का ये डीएप एरिया है। और ये नया लगाने वाला है और इधर तो लगा चुका है नहीं? तो इसका लगाने का सिस्टम भी ऐसा है, देखिए फोर लेन की तरह बनाया है पूरा रोड। इसको भी ये बीच में पानी फैलाऊंगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पानी फैलाएगा और इसको भी इतना मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए पूरा स्ट्रेट स्ट्रेट लगाना पड़ता है। ओए ये क्या है, ये सांप। ओहो माय लॉर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा बना चुका है। इसका हाइट कितना होगा? इतना छोटा सा, देखिए पपाया तो लग चुका है, ये बहुत बेहतरीन लग चुका है ये पपाया। मैं हालांकि मैं नीचे से नहीं दिखा पा रहा हूँ, आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ। ये एक स्ट्रेट इसका डिस्टेंस करीब 7-8 मीटर है, फुट का डिस्टेंस लगाया है। इतना बड़ा बड़ा, इतना छोटा घास पे इतना बड़ा बड़ा लगा हुआ है। लगभग 5 एकड़ लगाया हुआ है वहाँ उसने। यहाँ पे फर्स्ट में उसने उधर लगाया है, तो उसका बाद ही उसने इधर लगाया और उसका बाद फिर उधर लगाने के लिए वो रेडी कर रहा है। ओ माय गॉड, देख सकते हैं आप ये क्या है, ऐसा है। इसमें कितना लोड होगा देखिए, एक पेड़ पे इतना फला हुआ है देखिए, वो भी देख सकते हैं आप। इधर भी किसी भी घास पे ये देख सकते हैं आप, इसको स्पेस भी नहीं है जहाँ ये मतलब ये पपाया निकलने के लिए स्पेस भी नहीं है। और उधर देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा, तो शायद ये तो खासी होगा शायद, इसमें तो एक भी नहीं लगा। खासी भी होता है यहाँ मोटा में पपाया। तो टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा फोटो, जैसे कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इसको लगाने की। जब आप लगाने के तुरंत 2-3 महीने बाद ही ये इसका ये फल देना शुरू पकड़ना शुरू हो ही जाता है, तो इसका मतलब लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास प्लॉट है और अगर आप फ्री है तो मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ और मैं पर्सनली भी करने जा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ देखने के लिए आया था। एक भैया ने लगाया था इसीलिए देखने के लिए आया था, तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मैं भी जल्द से जल्द करने जा रहा हूँ ये फार्मिंग बोलूँ या प्लांटेशन बोलूँ, ये पपाया प्लांटेशन। इधर भी लगा रहा है वो, देख सकते हैं आप। रेक देख काम करने के बाद रेस हाउस भी बनाया है वो, अंदर में जाने से भी देखिए ना। सो
स्वामी घास है, स्वामी का पेड़ है, इसीलिए इसका नीचे भी उसका सेप हुआ है, इसीलिए इतना अच्छा नहीं हुआ है, फिर भी इसका पेड़ तो देख सकते हैं कितना अच्छा पेड़ हुआ है। 10-15 दिन का पौधे ही, अब देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लगाया हुआ है वो उधर। अभी तक भैया ने तोड़ना शुरू नहीं किया है, वो बोल रहा है कि वो पकने के बाद ही वो बिक्री करेगा बोल के। सब इधर वहाँ तक लगाया हुआ है वो, और वो दिख रहा है आप उधर आसाम में गोलाघाट, वो जो घर देख रहे हैं आप, तो इधर नागालैंड नहीं है, ये लुप्त विलेज खागापतो का अंदर में आता है, दिमापुर नागालैंड। सो आप लोग जहाँ कहीं भी देख रहे हैं तो ये पपीता का खेती करने के लिए आप, अगर आपको उत्सुक है या इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट कर सकता है और पूछ सकता है, और अगर आप लोग के पास प्लॉट है ऐसे ही बचा हुआ है तो आप लोग कर सकता है, इसमें फ़ायदा भी बहुत अच्छा फ़ायदा है बोला है, लेकिन हमको भी पता नहीं, मैं भी करने जा रहा हूँ अभी कुछ ही दिन बाद में, और ये 12 मंथ्स इसका ये जो फॉल है 12 मंथ्स देता है, ये 12 महीने ही देता है, ऐसे नहीं कि इसका कुछ सीजन नहीं है, ये ठंड में भी गर्मी में भी देता है। तो इसमें खाली एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा वन टाइम 2-3 महीने इन्वेस्टमेंट करो, और उसके बाद पैसे ही पैसे इंटरेस्ट के साथ दूर से।